जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आचार्य राज मिश्रा और आपके लिए लेकर के हाजिर हूं जनवरी 2019 का राशिफल, वो भी राशि कन्या के लिए। राशि कन्या के लोग इस मंथ खुश हो जाइए, आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पूरी तरह से पहुँचाई जा सके। आपके राशि स्वामी बुध इस माह में गोचर करने वाले हैं चौथे भाव के अंदर। चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, हमारे हृदय का भाव माना जाता है। यानी जो भी प्लानिंग इत्यादि बनानी है जरूर बनाइए, अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। भूमि इत्यादि खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए ये मंथ बहुत उत्तम है। वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं या वाहन इत्यादि का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम मास है। कोई नया व्यापार भी यदि प्रारंभ करना चाहते हैं, आपके राशि स्वामी के दशम भाव में मिथुन राशि है और वहाँ पर खुद बुध की दृष्टि होने से व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होगा, व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। सूर्य की भी दृष्टि होने के कारण पिता का भी सुंदर सहयोग प्राप्त होगा और पिता से आशीर्वाद लेकर के यदि कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। नौकरी के दृष्टिकोण से भी अगर मैं इस मंथ को देखता हूँ, दशम भाव पर तीन बहुत शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, शुक्र की, बुध की और सूर्य की। इन तीनों शुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण निश्चित रूप से आपको नौकरी में भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर इच्छा है कि विदेशी कंपनी में नौकरी प्राप्त हो या नौकरी के माध्यम से मैं विदेश जाऊँ और उसके लिए अपने सीनियर अधिकारी इत्यादि से बात करना चाहते हैं तो आपको बता दूँ कि आपके राशि के द्वादश भाव के स्वामी सूर्य चौथे घर में होंगे यानी फोर्थ हाउस में होंगे तारीख 14 तक। उनकी दृष्टि दशम भाव पर होने के कारण निश्चित रूप से आपके द्वारा किया गया प्रयास आपको सफलता देने वाला होगा, यानी नौकरी के माध्यम से विदेश यात्रा का सुंदर योग आपका बन जाएगा। और यदि विदेशी कंपनी में नौकरी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी किया गया प्रयास आपका सफल होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी इम्पॉर्टेंट काम है, जो भी इम्पॉर्टेंट प्लानिंग है, जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए तारीख 14 से पहले प्रयास करने तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। तारीख 14 से पहले प्लानिंग करने का बहुत अच्छा समय है क्योंकि उसके बाद सूर्य का जो गोचर होगा वो पहुंच जाएगा पंचम भाव के अंतर्गत और पंचम भाव में केतु ऑलरेडी गोचर कर रहा है जो बहुत मानसिक अशांति, मानसिक तनाव, बच्चों की तरफ से बहुत समस्याएं उत्पन्न करा रहा है। सूर्य का उसके साथ हो जाने के कारण सरकारी कार्यों में निश्चित रूप से तुरंत रुकावट आनी प्रारंभ हो जाएगी, बच्चों के जीवन में तुरंत दिक्कतें आनी प्रारंभ होंगी, बच्चों के जीवन में तुरंत रुकावट आनी प्रारंभ होगी, जिसको लेकर के मन बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा। अगर हम भाग्य की बात करते हैं, भाग्य इस मंथ में छुपा हुआ है माता के चरणों में। माता को रोज प्रणाम करने से, चाहे फोन के माध्यम से प्रणाम करें या रोज उनके चरण को स्पर्श करके प्रणाम करें, अगर माता नहीं है तो माता जी का ध्यान करें, दुर्गा जी का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें, निश्चित रूप से आप देखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अगर राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं तो भी इस महीने आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इस महीने बहुत अच्छा सहयोग बड़े नेताओं का मिलने वाला है जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल जो करियर है आपका, जो पॉलिटिकल क्षेत्र है आपका, वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, जो लोग खासकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं वो विशेष सावधान रहेंगे, पार्टनरों से धोखा मिलने का योग बन रहा है। या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में बहुत करना चाहते हैं तो इस महीने प्रारंभ नहीं कीजिएगा, दिक्कत मिलने का योग है। इस महीने गुरु मंत्र आपके लिए क्या होगा, श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदरकांड की पहली चौपाई है रामायण के, आपको रोज इसको 5 बार पाठ करना है, आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी सफलताएं आपके कदम चूमेंगे। यदि कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, संस्थान का नंबर आपके सामने है, सभी चीज़ें संस्थान के अंदर आपके लिए उपलब्ध हैं, आप चाहें बात करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब के लिए जय श्री राम।